मराठी आहे तर तुमचा फर्ज आहे की भाई तुम्हाला आरक्षण पाहिजे. आम्ही गुजरात आहे, आमचा फर्ज आहे की तुम्हाला आरक्षण भेटायला पाहिजे. आरक्षण के लिए मैं आज थोड़े मुंबई में चार बंगला से लेके अंधेरी तक, आंबोली और शिवराज तक सब बाजू घुमा मैंने, और अपने वर्षों में भी तो इतना कुछ दिखा नहीं मुझे. जो स्मार्टी महेश राइडर बॉय, जय शिवराय. तो आज का दिन है आरक्षण आंदोलन. जो मराठा लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा है उसके लिए सब लोग घर से निकले हैं. आज महाराष्ट्र पूरा बंद है, तो आज देखेंगे कि मुंबई में कहां कहां पे बंद है, महाराष्ट्र में भी और मुंबई में, खास करके अभी मुंबई में देखेंगे कहां कहां पे बंद है और कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं मराठा को लिए. तो देखते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत कुछ किया, मराठा लोगों ने बहुत कुछ किया, तो आज की पीढ़ी है जो मराठा आरक्षण के लिए बहुत कुछ लड़ रही है, तो बाकी लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, तो अभी आज हम लोग देखेंगे. एक मराठा लाख मराठा, जय शिवराय. आम्ही गुजरात आहे, आमचा फर्ज आहे की तुम्हाला आरक्षण भेटायला पाहिजे. महाराजांनी हक्के माऊलींनी लय काय केलं, हक्के मराठी लोकांनी काय केलं, सर्व केलं, पण त्या लोकांना काय भेटलं? काय नाही भेटलं. आपल्याला पाहिजे ना, त्या लोक आरक्षण देवाला पाहिजे, सगळ्याला एकजूट व्हायला पाहिजे ना. बोलला ना आपला सीएम देणार, बोलला ना. अरे देणार तुम्ही बरोबर आहे, पण देणार कधी? तुमचे राजकारणामध्ये किती किती सीएम बनले ते, काँग्रेस बनलं ते बी बोलला होता, त्याच्या मंगशी काय झालं, राष्ट्रवादी बी बनलाय ना तो भी बोलला होता, शिवसेना भी बनली ती भी बोलला होता, आता बीजेपी भी आली ती भी बोलला होता. आता इलेक्शन आयला तुम्ही आता थोडासा थोडी कोणाला नाही दिला तर कोणाला तोड नाही करायचं. तुम्ही सगळे चौघं मिळून सगळं काही केलंच नाही. त्याचे पूर्वज लोकांनी हक्क देशाची काय केलंय त्याला आठवण करायला पाहिजे ना. काय तुम्ही बोले ब्रिटिशला आजादी केली या लोकांना, अरे त्याचे पहिला काय केलं ते बघा ना. आता तुम्ही पुराने धर्मस्थान जातो, कोणचे भरून जातो? महाराजा भरून जातो ना. एलियाबाई होळकरनी एवढे मंदिरं बनविले कोणत्यासाठी? त्याच्यासाठी. तो मराठा आहे त्याच्यासाठी बनविले काय? तुमच्यासाठी. त्याचे त्याचे महाराष्ट्रामध्ये बनविले असता का गुजरातला? मग किती ठिकाणे बनविलं? त्यांना त्याचंच हक्क आहे ना पहिला माल, त्या लोकांचंच भेटायचं हक्क आहे.
तो फाइनली अभी आ चुका हूँ मैं घर पे और देख सकते हो छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा जो आरक्षण के लिए मैं आज थोड़े मुंबई में चार बंगला से लेके अंधेरी तक आंबोली और शिवराज तक सब बाजू घूमा मैंने और अपने वर्षों में भी तो इतना कुछ दिखा नहीं मुझे जो आरक्षण के लिए मराठा इतना मेहनत कर रहा है। तुमको आरक्षण मिलना चाहिए बट मुंबई में इतना कुछ दिख रहा नहीं है, बहुत जगह पे हो सकता है पर मुझे कोई दिखा नहीं। तो मैं सबको एक ही बात कहना चाहता हूँ, मराठा ने इतना कुछ किया है कि लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मावले थे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया है, तो उनको आरक्षण हक है, उनको लेने का आरक्षण मिलना ही चाहिए। लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की थी सबकी सुरक्षा के लिए पूरे भारत देश के लिए, पर मराठा को आरक्षण मिलना चाहिए, बस वही कहना चाहता हूँ। मैं गुजराती होके भी मैं उनका सपोर्ट करता हूँ मराठा लोगों को, तो आपको भी मैं कहना चाहूँ, आपका भी एक फर्ज बनता है आपका भी सपोर्ट करने का। ठीक है, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शिवराय।